हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फाइनली आईबीपीएस पीओ 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जो स्टूडेंट इसका वेट कर रहे थे, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे थे एंड कुछ दिनों पहले जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की भी वैकेंसी रिलीज़ की गई थी, हाँ इस बार आईबीपीएस ने थोड़ी वैकेंसी कम रिलीज़ की है। तो इसे हमें लेके डिमोटिवेटेड नहीं होना है, हमें अपने प्रिपरेशन जारी रखना है एंड हमें सिर्फ एक सीट चाहिए। इतनी सारी वैकेंसी, आई थिंक 1167 वैकेंसीज़ हैं, तो हमें सिर्फ एक सीट चाहिए, तो हमें डिमोटिवेटेड नहीं होना है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी इंपॉर्टेंट डेट्स के को लेके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसीज़ एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं एंड नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है। तो ये नोटिफिकेशन आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं सबसे पहले बात कर लूँ। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है पार्टिसिपेटिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक हैं, उसके बारे में लिखा है। तो कौन कौन से बैंक हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इतने बैंक पार्टिसिपेट करें। हाँ, कुछ बैंक ने अपनी वैकेंसीज ज़ीरो रखी है एंड कुछ बैंक ने अपनी वैकेंसीज़ को रिपोर्ट नहीं किया है, तो उसे लेके हमें कुछ डिस्कशन नहीं करना, हमें अभी अपने प्रिपरेशन पे ही ध्यान रखना है। नीचे बात कर लूँ मैं डेट के बारे में, तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपका, देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है आपका 5th 8th, तो आपका 5th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा एंड 26th लास्ट डेट है, तो इस बीच में अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। एंड आप देख सकते हो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स की बात करूँ तो अक्टूबर में है, आपका कॉल लेटर आ जाएगा एंड एग्जामिनेशन की यहाँ पे परफेक्ट डेट दे रखी है आपको। जो IBPS RRB PO एंड क्लर्क की जो वैकेंसीज रिलीज़ की गई थी उसमें आपका ये कुछ पर्टिकुलर डेट आपको अनाउंस नहीं किया गया था, बट यहाँ पे आपका पर्टिकुलर डेट अनाउंस कर दिया गया है, अक्टूबर में होगी एग्ज़ाम एंड 3rd, 10th एंड 11th ऑफ अक्टूबर को होने वाला है। रिजल्ट की भी बात करूँ तो रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस की बात करूँ तो 28th ऑफ नवंबर को होने वाला है, तो काफ़ी कम टाइम है मेंस एंड प्रीलिम्स के बीच में, तो आप देख सकते हो। तो ये आपका पूरा डेट दिया गया है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपको नेशनलिटी के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया है। एज की बात करूँ तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एज आपका 20 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स आपका होना चाहिए। हाँ, आप यदि कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो वो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल आपको प्रोवाइड किया जाएगा और वो नोटिफिकेशन में अच्छे से दे रखा है, तो आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंस जो टॉपिक्स हैं मैं वो आपको डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एंड आपका यहाँ पे दे रखा है 20, यहाँ आप देख सकते हो जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं लास्ट ईयर में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आपका 26th ऑफ 8th मतलब 26th अगस्त तक आपका जो है डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, वरना आप एलिजिबल नहीं हो, राइट। यहाँ पे नोटिफिकेशन में बहुत कुछ दे रखा है, तो आप एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को रीड कीजिएगा, हाउ टू अप्लाई इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बता रखा है एंड यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो फर्स्ट जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, वो आपको 3 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज, सेकेंड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड थर्ड है रीजनिंग एबिलिटी। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 30 होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 एंड रीजनिंग एबिलिटी 35 होंगे एंड मार्क्स के बारे में अभी आपको डिस्कस किया गया, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर होगा एंड टाइम यहाँ पे अलॉटेड होगा हर सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट्स यहाँ आपको अलॉट किया जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि 20 मिनट्स इसमें स्वैप कर सकते हैं, 20 मिनट्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको दिया जाएगा। यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन की बात करूँ तो मेंस एग्जामिनेशन में आपका जो पेपर है यहाँ पे देख सकते हो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 होने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो है 60 होने वाला है एंड जनरल अवेयरनेस जो है वो 40 क्वेश्चन होंगे एंड 40 मार्क्स का होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो 35 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का पेपर होगा ये
एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो होगा 35 क्वेश्चन होंगे एंड 60 मार्क्स के होंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200 का पेपर होगा आपका, और इसके लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा 3 आवर्स। ओके, एंड जो इंग्लिश लैंग्वेज लेटर एंड एसे जो होता है उसमें आपको क्या होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स आपका 25 होगा, 30 मिनट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, थर्ड जो होता है इसमें इंटरव्यू प्रोसेस होता है, तो आप पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद आप इंटरव्यू पे आओगे। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में भी यहाँ पे आपको पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है, तो एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। अभी बात कर लेती हूँ इसके फ़ीस के बारे में कि कैसे आपको कितनी फ़ीस लगने वाली है, तो आपको इसमें दे रखा है, यहाँ पे देखोगे हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आपको पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। वहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिस्कस किया गया है, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो SC ST PWD कैंडिडेट हैं उनको 175 रुपीज़ पे करना है, एंड फॉर ऑल अदर्स कैंडिडेट के लिए 850 रुपीज़ एज पर जैसे आपको IBPS RRB क्लर्क और PO में पे करना था वैसे ही इसमें भी पे करना, ऑनलाइन पेमेंट होगा आपका। तो ये काफ़ी अच्छा खासा नोटिफिकेशन था, काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन था, तो एक बार आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं बात कर लूँ, देखिए यहाँ पे आपका जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, उसके बारे में दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने रिलीज़ किए हैं, कितने नहीं रिलीज़ किए हैं, उसके बारे में आपका पूरा डिस्कशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 000 लिख दिया है, मतलब यहाँ पे कोई वैकेंसीज नहीं है। राइट, नंबर बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे अपना जो नंबर उनके पास जो वैकेंसी है उन्होंने रिलीज़ की कर रखा है। हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करूँ तो NR लिख रखा है, मतलब इन्होंने अभी रिपोर्ट नहीं किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया है। यदि इनके पास वैकेंसीज आई तो ये अपना वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वैकेंसी में भी इंक्रीज़ भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बैंक ने नॉन रिपोर्टेड, मतलब अभी रिपोर्ट नहीं किया है, तो उनके पास जैसे वैकेंसी आएगी वो रिपोर्ट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज़ भी हो सकती है या फिर ऐसे ही रह सकती हैं। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन था आपका, तो जितनी भी वैकेंसी आई है उस पर अच्छे से प्रिपरेशन जारी रखिए, एंड आई होप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर।